वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर जो भी साइंस स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट एंड लाइक भी करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो मैंने टॉपिक लाती हूँ इस वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो मोस्टली BSc में पाए जाते हैं और 6 to 12 क्लास तक वो आते ही आते हैं। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जे हम बात करेंगे कि जे 6 से स्टार्ट हो जाता है, समटाइम कई स्कूलों में ये पहले भी रीड आउट कराया जाता है ये टॉपिक, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं बाय द प्लांट्स एंड अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट का क्या मतलब है, जो सनलाइट से जो किरणें आती हैं, सन से जो किरणें आती हैं उसे सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जिसकी मेन डेफिनेशन जहां से स्टार्ट होती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं, मैंने आपको जो आपको ग्रीन पौधे पता होते हैं ना, हरे रंग के जो पौधे हों, वो इस प्रोसेस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। जो अपना फूड खुद बनाए, किसी पे डिपेंड नहीं रहते, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला है कि जो अपना पौधे अपना भोजन आप बनाते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सी है, जो हम आस पड़ोस से लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से लेते हैं, और वाटर कौन सा है, जो हम पौधे में डालते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये प्रोसेस तब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है, जो एक ऐसा पिगमेंट होता है जिससे पत्ते हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगर ये क्लोरोफिल खत्म हो जाए और हम कह सकते हैं कि इसकी एब्सेंस हो जाए, तो पत्ते की जो पत्तियों की पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं, और समटाइम ये पीले रंग की दिखाई देने होती लगती हैं और ये धरती पर गिरने लगती हैं, जिसे हम बोलते हैं सेनेसेंस, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मतलब जो हमारे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करें, और किसकी हेल्प से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होएगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। रिलीज का क्या मतलब है कि जब ये प्रोसेस होएगा और ऑक्सीजन क्या करेगी, जहाँ से रिलीज करेगी बाहर निकलेगी। इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी, उसका नाम क्या था, जैन इंजन हाउसेस, ठीक है, उसका नाम था। और अब हम बात करते हैं इसकी डायग्राम के बारे में। इसकी डायग्राम बहुत ही, देखो ये मैंने दिखाया हुआ सन, दिखाया हुआ सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ये सूरजमुखी का पौधा है और ये इसके हैं, ये इसके लीफ हैं, और ये मैंने रूट्स दिखाई हैं, और ये और निके ये और छोटे छोटे पौधे हैं। और इससे मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ से लाइट आ रही है, और इधर से मैंने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड दी, और मैं इधर से वाटर डाला, ठीक है। ये कंडीशन हो रही है। जब ये कंडीशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, वाटर भी आ रहा है, और सनलाइट भी आ रही है, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो रहा है, आ रहा है। जो ये यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हमें बहुत ही, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमें सांस लेने में हेल्प करती है, और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये था हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर एक साल में क्वेश्चन आता ही आता है।